हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस ईस्ट बंगाल FC के मैच के बारे में। किस रीजन से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 5 गोल खाना पड़ा, क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फैंस इस स्कोर लाइन के लिए एक्सपेक्टेड थे। इस वीडियो में ऐसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बात करूँगा, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। मैंने भी सोचा था कि इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जीतेगा, नहीं तो कम से कम ड्रॉ भी करेगा। लेकिन जैसे सोचते ऐसे होते नहीं, रिजल्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस मैच में भी ऐसे ही देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्ट बंगाल FC का प्लेयर्स को तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि कितना अच्छा से गेम प्ले किया है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन पासिंग एक्वेंसी स्किल देखने को मिला है हमको। इंडियन प्लेयर्स, फॉरेनर प्लेयर्स सभी ने कितना अच्छा से परफॉर्म किया है और जो गोल दागा है वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग बोल सकते हैं। इस मैच से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को पता चल गया है कि मोहम्मद अली बीमेमार कैसा प्लेयर है, मोहम्मद अली बीमेमार के बिना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का हाल कैसा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को अच्छी तरह से समझ आ गया है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का एक प्लेयर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिस प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि मैंने भी बोला था कि ऐसी तरह से इप्सन मेलो का परफॉर्मेंस चलते रहे तो इप्सन मेलो को रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इसी मैच में इप्सन मेलो का इतना अच्छा परफॉर्म मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में इप्सन मेलो ने विंगर की पोजीशन में नहीं खेला था। जिन जिन मैच में इप्सन मेलो को मौका मिला था, इसी मैच में इप्सन मेलो एज ए स्ट्राइकर पोजीशन में खेला था। बट इसी मैच में इप्सन मेलो को राइट विंगर की पोजीशन में, लेफ्ट विंगर की पोजीशन में मौका मिला था और कितना अच्छा परफॉर्म किया है एज ए विंगर के रूप में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इप्सन मेलो ने। और इप्सन मेलो ने बहुत ही अच्छी अच्छी कोर्स निकाला था एकदम गोल के सामने, और एक गोल लाइन के सामने भी नेस्टर एल्बियास को पास दिया था, लेकिन नेस्टर एल्बियास ने मौका को खो दिया। इप्सन मेलो ने रियली इस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इप्सन मेलो को एज ए विंगर के रूप में जुआन पेड्रो बेनाली यूज कर सकते हैं। और इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का डिफेंस तो पूरी तरीका से बिखर गया था। माइकल जेबाको ने अदर मैच में लीडरशिप संभाल के बहुत अच्छी तरीका से डिफेंस को संभाल के रखते हैं। बट इसी मैच में माइकल जेबाको भी इतना गुड परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। दिनेश सिंह ने ईस्ट बंगाल FC का अटैकर्स को मार्के नहीं कर पा रहा था, एक तरफ बॉल आ रहा था और दिनेश सिंह ने एक तरफ मूवमेंट किया था, ऐसे ही बहुत सारी गलतियां देखने को मिला इसी मैच में। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने इस मैच में मिडफील्ड बैटल नहीं जीता, पूरी तरीके से मिडफील्ड में ईस्ट बंगाल FC ने कब्जा करके रखा था। ईस्ट बंगाल FC नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को मिडफील्ड में इतना मौका नहीं दिया था। आई होप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC आने वाले मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा और ईस्ट बंगाल FC भी अच्छा परफॉर्म करे। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय अहोम, वंदे मातरम।